खरगोन शहर के सनावत रोड भोकले कॉलोनी स्थित बगीचे से अपहरण किए गए दूध मुहे बच्चे को पुलिस ने महज 7 घंटे में तलाशने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर पीथमपुर से बच्चे को सकुशल बरामद करने के साथ ही अपहरण करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को सकुशल पाने पर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के नाना नानी ने बताया कि वह महाराष्ट्र जलगांव के रावेर निवासी होकर शारदा हॉस्पिटल में उपचारत अपनी बेटी को देखने आए थे। इस दौरान 1.5 वर्षीय नवाज से हसनैन और एक अन्य बच्ची को लेकर बगीचे में बैठे थे, जहां एक महिला ने बातचीत कर उन्हें भरोसे में ले लिया और हसनैन को गोद में लेकर खिलाने लगी। इस दौरान नाना दूसरे बच्चे को लेकर अस्पताल जाने लगे। इस दौरान महिला बच्चा लेकर फरार हो गई। SDOP ने बताया कि मामला गंभीरता को देखते हुए विभिन्न टीमें गठित की गई थी। CCTV फुटेज के आधार पर स्कूटी सवार महिला कसरावत की ओर जाते दिखाई दी, जिसके आधार पर टीमें पीछा करते हुए पीथमपुर पहुंची। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि नाबालिग बच्चे का अपहरण भीख मंगवाने के लिए किया जाना बताया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कौन ले गया था बच्चा? वो लेडीज ले गई, लेडीज आई थी, लड़की गाड़ी से थी। कितने घंटे मिला आपको? उनको 7 घंटे के अंदर बैठे थे। क्या कहना चाहोगे कि पुलिस ने 7 घंटे में कार्रवाई? शुक्रिया था, हमारे उम्मीद नहीं थी कि मैं लड़का वहाँ से मिल गया। पुलिस ने मदद कर दी, चलिए धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? दासा। आपको ना देखिए, कासम हैं, रावेर के रहने वाले हैं। यहाँ अपनी बच्ची के इलाज के लिए शारदा अस्पताल आए थे। उनकी छोटी वाली बच्ची भी यहाँ आके अपने एक लड़का है हसनैन, उसको अपने नाना के पास छोड़ गई थी। वो नाना जो है वो शारदा अस्पताल के बाहर उसको खिला रहे थे, तभी एक महिला आई और वेला फिसला के उसको अपने पास गोदी में ले लिया और फिर वहाँ से बहला फुसला के और उनको चकमा दे के अपने पति की सहायता से गायब हो गए। कल दोपहर में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो ये गंभीर सूचना थी। तत्काल हमारे पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह साहब मौके पर आए, तत्काल टीमें बनाई। पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसमें सुरागरसी की। कई सारे टीमों ने हर जगह के CCTV देखे और ये मालूम पड़ा कि वो कसरावत तरफ गई है महिला। इसी सुरागरसी से पीछा करते करते उसको पीथमपुर में हमने पकड़ा है और बच्चा सकुशल है और दोनों पति पत्नी को हिरासत में ले लिया है। पहले भी इसके नाम की ये महिला है और इसके पति का नाम अतीश उर्फ अतुल है। ये मूलतः खंडवा के पास छहगांव माखन के रहने वाला है और ये जो महिला है ये तलकपुरा की रहने वाली है। इससे पूर्व भी इसने ऊन क्षेत्र से एक बच्चा चोरी किया था, उस समय भी पुलिस की तत्परता से ये मौके पर पकड़ी गई थी। कारण क्या है सर, क्यों इस तरह? अभी जो इसने बताया है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और भीख मंगवाने के उद्देश्य से इन्होंने बच्चे को चोरी किया था और उस बच्चे को कमरे में रखा था, तो इसमें संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज माननीय न्यायालय से निवेदन करके इनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।